हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट के एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने एमएस पावर पॉइंट होम टैब के सारे ब्लॉक के बारे में आपको बता दिया है। आज हम सीखेंगे एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। एडिटिंग ब्लॉक में आज सीखेंगे फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करना। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड, उसके बाद रिप्लेस और थर्ड ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट। इन तीनों ऑप्शन के यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे इस स्लाइड पर कुछ टेक्स्ट को टाइप करना होगा। तो हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दिया है। हम बारी बारी से इन सारे ऑप्शंस के बारे में सीख लेते हैं। हमारा सबसे पहला है फाइंड। फाइंड ऑप्शन यानी फाइंड का अर्थ है यानी खोजना। अगर आप चाहते हैं आपके पास, मैंने एग्जांपल के तौर पर एक स्लाइड पर अपने डेटा को फिट किया, आपके पास मान लीजिए कि 5 स्लाइड और 5 स्लाइड में आपने डेटा को फिट किया, और अगर आप चाहते हैं किसी वर्ड को ढूंढना तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है फाइंड। फाइंड यानी खोजना। अगर आप इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने लिखे गए प्रेजेंटेशन में आसानी से किसी भी वर्ड को खोज सकते। तो सबसे पहले हम अपने माउस के कर्सर को सबसे फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड के सबसे आगे ला देंगे, और उसके बाद जैसे ही आप फाइंड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं हमारा फाइंड वर्ड और उसके नीचे ब्लैंक डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है। आप इसमें उस वर्ड को फिल करें जिस वर्ड को आप खोजना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर टैब टाइप कर ले रहे हैं TAB, और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर टैब वर्ड हाईलाइट किया हुआ शो करेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसे रिप्लेस करना तो आप यहाँ से आसानी से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। या उसके बाद अगर आप नेक्स्ट टैब वर्ड खोजना चाहते हैं तो आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाए और आपको सारा जितना भी आपने अपने प्रेजेंटेशन में टैब वर्ड को टाइप किया है सारा आपको यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आपने सीखा फाइंड ऑप्शन का यूज करना। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस। जैसे आप रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 2 ब्लैंक बॉक्स दिखेंगे जिसमें हमारा सबसे पहला है फाइंड वर्ड और दूसरा है रिप्लेस विथ। तो यहाँ पर हमने फाइंड वर्ड में टाइप कर दिया है और इसमें रिप्लेस विथ यानी पूछ रहा है कि जो आप फाइंड वर्ड यानी जो आप टैब वर्ड को खोजेंगे आप उसे किस में चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर उसे वर्ड में चेंज करना चाहता हूँ, तो वर्ड लिख दिया। और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर आप बारी बारी से जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो टैब हाईलाइट करके आपको शो करेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस पर क्लिक कर आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं नेक्स्ट जो हमारा टैब वर्ड होगा उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि हमारा जितना भी इसमें टैब वर्ड लिखा हुआ डायरेक्टली एक बार में वर्ड में चेंज हो जाए तो आप रिप्लेस ऑल कर उसे एक बार में सारा को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक फिर से पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपके द्वारा जो टैब वर्ड था वो पूरे को रिप्लेस कर वर्ड में चेंज कर दिया गया है, अब इसमें किसी भी प्रकार का टैब वर्ड नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जहां जहां टैब लिखा हुआ था वो सारा वर्ड में चेंज हो गया है। इस तरह से आपने सीखा फाइंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करना। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट को किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली इसे माउस से ज्यादा यूज करते हैं, बट अगर आप चाहते हैं इसे ऑप्शन के थ्रू यूज करना तो उसके लिए आपको एक दिया गया ऑप्शन सिलेक्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पैनल शो करेगा। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। जैसे ही आप इसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा लिखा गया सारा टेक्स्ट और अगर आपका इसमें किसी तरह का ऑब्जेक्ट हो तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन का यूज आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए बटन प्रेस कर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी हमारा माउस का कर्सर। कर्सर के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पैनल। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने पूरे स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप सिलेक्शन पैनल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिलेक्शन और विजिबिलिटी का एक ऑप्शन शो करेगा। इसमें आपको रिक्टेंगल वन शो कर रहा है, चूंकि हमारा ये जो शेप है वो रेक्टेंगल है इसीलिए आपको ये रिक्टेंगल में शो कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये बॉक्स है जिसमें मैंने शेप को फिल किया है वो एक रेक्टेंगल है। उस तरह आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे स्लाइड कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिंपल शो कर रहा है, और यहाँ पे हमने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया है तो रेक्टेंगल शो कर रहा है। इस तरह से आपने सीखा एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। फ्रेंड्स, अगर इसके पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लिए इसी तरह के टेक्निकल और कंप्यूटर कोर्स रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।